द स्कूल ऑफ फिजिक्स के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर थ्री कैपेसिटर के अंतर्गत हम लोग स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था जिसमें स्फ़ेरिकल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना सीख लिया था आज हम लोग स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर से ही रिलेटेड एक और कैपेसिटर सिंगल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे आइए देखते हैं सिंगल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है तो जब किसी स्फ़ेरिकल प्लेट कैपेसिटर का आउटर स्फ़ेयर को इन्फिनीटी पर रख दिया जाए यानी उसे इनर स्फेयर से बहुत दूर कर दिया जाए तो सिंगल प्लेट कैपेसिटर बनता है देखिए डिफिनीशन लिखा है द आउटर इस्फेयर ऑफ स्फेरिकल प्लेट कैपैसिटर इज केप्टफिनीटी कहाँ रखा जाए इन्फिनिटी पे देन इट इज़ नोन एज सिंगल प्लेट कैपेसिटर तो क्या कहलाएगा सिंगल प्लेट कैपेसिटर आप फिगर देख सकते हैं देखिए इसमें एक इनर एसपेयर दिख रहा है और आउटर इस्फेयर इसमें नहीं है यानी आउटर इस्फेयर को रख दिया गया है इन्फिनी पे कहाँ रख दिया गया है इन्फिटी पर ये है सिंगल प्लेट कैपेसिटर अब हम लोग निकालना सीखेंगे सिंगल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चलिए देखते हैं हम जानते हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फ़ेरिकल कैपेसिटर क्या होता है तो C इक्वल टू फोर पाई एप्सलन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए यह कैपेसिटेंस किसका है स्फ़ेरिकल प्लेट कैपेसिटर का अगर हम सिंगल प्लेट कैपेसिटर के लिए यूज करें तो ये जो बी है यानी आउटर स्फेयर का रेडियस वो कहाँ हो जाएगा इन्फिनिटी पे, यानी बी टेंस टू इन्फिनिटी। बी कहाँ हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाना चाहिए अब अगर हम बी का वैल्यू इस एक्सप्रेशन में डालते हैं तो यहाँ भी इन्फिनिटी हो जाएगा और ऊपर भी इन्फिनी यानी ये केस बन जाएगा इन्फिनी बाय इन्फिनीटी का जो कि मीनिंगलेस होता है आप मैथमेटिक्स में जानते होंगे कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मीनिंगलेस होता है और इसका सॉल्यूशन करना संभव नहीं तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे कैपेसिटेंस निकालेंगे अगर बी का वैल्यू हमें इन्फिनिटी रखें इसके एस सी के एक्सप्रेशन में तो आपको इसके लिए यूज करना पड़ेगा लिमिट मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफ्रेंसी इंटीग्रेशन के चैप्टर में कैलकुलेशन कैलकुलस के बुक में कि जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो या जीरो बाय जीरो हो या जीरो बाय इन्फिनिटी हो इस तरह के कुछ टर्म हो तो उसके लिए हम लोग लिमिट का यूज करते हैं देखिए कैसे करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल प्लेट कैपेसिटर क्या हो जाएगा सी इक्वल टू लिमिट बी टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट डाल दिया गया कि बी कहाँ होगा इन्फिनिटी होगा और उसके ब्रैकेट में लिखा गया है फोर पाएसलन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए यानी सी का एक्सप्रेशन रखा गया है ठीक है अब हम लोग इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे देखिए बी माइनस ए से बी कॉमन ले लिया गया तो बी कॉमन आ गया क्या बच गया वन माइनस ए बाई बी अब ये बी और ये बी कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा फोर नॉट ए बाय वन माइनस ए बी वन माइनस ए बाय बी अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लिमिट है बी टेंस टू इन्फिनिटी यानी अब बी का वैल्यू क्या पुट करेंगे इन्फिटी पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा इस बी का वैल्यू क्या पुट कर दिया गया इन्फिनीटी तो वन बाय इन्फिनिटी आप जानते हैं क्या होता है जीरो होता है वन बाई क्या होगा जीरो होगा तो ये पूरा टर्म हो जाएगा जीरो तो वन माइनस ज़ीरो वन यानी एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा हमारे लिए C इक्वल टू फोर पाई एक्सलन नॉट ए बाई वन यानी कि C इक्वल टू फोर पाई एक्सलन नॉट ए तो ये हो गया सिंगल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बहुत आसान है निकालना कैसे निकालेंगे तो स्फ़ेरिकल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस में b का मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी पुट करेंगे विथ लिमिट लिमिट के साथ तो निकल के आ जाएगा C इक्वल टू फोर पाइप नॉट ए चलिए अब हम लोग दो कैपेसिटर स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ लिया अब इससे रिलेटेड कुछ नुमेरकल्स देखते हैं पहला नुमेरकल्स आपके सामने है पहला प्रॉब्लम देखिए क्या है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ट्वेंटी माइक्रोकुलम एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ हंड्रेड वोल्ट फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कैपेसिटर का चार्ज कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस और निकालना है कैपेसिटेंस तो क्यू पता है हमें भी पता है हमें क्या निकालना है सी तो इस तीनों से एक फॉर्मूला जानते हैं आप लोग क्यू इक्वल टू सी भी क्यू इक्वल टू सी भी या इससे एक और फॉर्मूला आप लोग डायरेक्टली जानते हैं सी इक्वल टू क्यू बाई भी ये फॉर्मूला आप लोगों ने पहले ही क्लास में कैपेसिटर चैप्टर का पहला वीडियो में आप लोग ने देखा होगा कि सी इक्वल टू क्यू बाई भी होता है यानी कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस तो अब यहाँ पे क्यू और भी पता हो तो सी का वैल्यू निकाला जा सकता है देखिए कैसे निकालेंगे सोल्यूशन देखिए क्या लिखा गया है क्यू इक्वल टू ट्वेंटी माइक्रो कूलम माइक्रो का मतलब टेन टू दी पावर माइनस सिक्स भी इक्वल टू हंड्रेड वोल्ट C इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई भी अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके सोल्यूशन आ गया 20 इंटू टेन टू दावर माइनस एट फ्राड ये फ्राड क्या है ये फराड कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट होता है चलिए अब हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं तो सेकेंड प्रॉब्लम है द एरिया ऑफ प्लेट इज हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज ट्वें टू सेंटीमीटर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया दिया गया है इस प्लेट का और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको पता है तो डिस्टेंस को लिखते हैं डी से और एरिया को लिखते हैं ए से तो हमारे पास क्या पता है ए पता है और डी पता है क्या निकालना है फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर निकालना है हमें कैपेसिटेंस यानी सी तो सी का फॉर्मूला क्या होता है ए एक्सलन नॉट बाई डी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए एप्सलर नॉट बाय डी देखिए क्या था सी इक्वल टू फॉर्मूला क्या था सी इक्वल टू ए एप्सलर नॉट बाय डी अब कैपेसिटेंस निकालना है एरिया ए दिया हुआ है डी डिस्टेंस दिया हुआ है और ये एप्सलर नॉट का वैल्यू आप लोग जानते हैं ये क्या होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस देखिएगा यहाँ पे सोल्यूशन में तो क्या दिया हुआ है ए इक्वल टू हंड्रेड सी एम स्क्वायर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर है मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा टेन टू दावर माइनस फोर मीटर स्क्वायर डी है टू सेंटीमीटर यानी टू इंटू टेन टू द पावर माइनस टू मीटर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप लोग देख रहे हैं एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेल्व स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका यूनिट आप लोग याद कर लेंगे ये बहुत काम का चीज़ है कुलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका है एप्सलन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जानते हैं ए एप्सलन नॉट बाय डी करेंगे क्या वैल्यू पुट करेंगे तो ए तो का वैल्यू हंड्रेड इंटू टेन टू तो द पावर माइनस फोर एप्सलन नॉट का वैल्यू एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन टू तो द पावर माइनस ट्वेल्व डी का वैल्यू टू इंटू टेन टू द पावर माइनस टू अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा फोर पॉइंट टू फाइव फोर पॉइंट फोर टू टू द पावर माइनस ट्वेल्व फ्राड ये फ्राड क्या है एस आई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस से ये था प्रॉब्लम नंबर टू अब हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर थ्री जो कि आप लोग को घर से बना कर रखना है प्रॉब्लम है इफ़ द एरिया ऑफ प्लेट इंक्रीज बाई फिफ्टी परसेंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स डिक्रीज बाई ट्वेंटी परसेंट यानी कि एरिया इंक्रीज किया गया है 50 परसेंट से और डिस्टेंस डिक्रीज किया गया है 20 परसेंट से एरिया क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है डिस्टेंस 20 परसेंट से डिक्रीज कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस में कितना चेंज होगा परसेंटेज चेंज कितना परसेंटेज चेंज होगा कैपेसिटेंस में ये आपको बताना है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे अगर आप इसका सॉल्यूशन का पिक कमेंट बॉक्स में डालते हैं तो ये और भी अच्छी बात है तो आज आप लोग करेंगे क्या आज के पूरे वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में नोट डाउन करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज के लिए इतना ही नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे थैंक यू